हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, एससी वर्मा का चैप्टर नंबर 5 का। देखो क्या है, दो बंदर दिए हुए इस बार, है ना, बंदर ए और बंदर बी। बंदर ए का मांस जो है 5 किलो दिया हुआ है, बंदर बी का मांस 2 केजी दिया हुआ है। बोला है द मंकी बी शोन इन द फिगर इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ द मंकी ए विच इज़ क्लाइंबिंग अप द रोप। तो मंकी ए जो है रस्सी को पकड़ रखा है और मंकी बी जो है वो बंदर ए की पूँछ को पकड़ रखा है, ठीक है। अब क्या बोला है, द मासेस ऑफ द मंकीज ए एंड बी आर 5 एंड 2। अच्छी बात है। इफ़ ए कैन टॉलरेट अ टेंशन ऑफ 30 न्यूटन इन इट्स टेल। बोला है कि ये जो ए बंदर की पूँछ है, ठीक है ना, अब ये पूँछ है तो इस पे बहुत ज़्यादा टेंशन तो नहीं लगा सकते ना, वरना दर्द होएगा। तो बोला है कि इस पूँछ में मैक्सिमम 30 न्यूटन का फोर्स ये ए वाला जो बंदर है जिसकी ये पूँछ है वो बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है ना। अब क्या है कि वॉट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी विथ इट। एक ध्यान देना यहाँ पर क्लाइंबिंग अप द रोप लिखाया हुआ है, ठीक है। इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बाद में काम आएगा। अब सुनो भाई, सबसे पहली बात, एफबीडी बनाते हैं दोनों मंकी का। ये बंदर ए की एफबीडी बनाया, बंदर ए की एफबीडी में सोचो कि बंदर जो है टेंशन टी लगा रहा है रोप पे, तो रोप टेंशन टी लगाएगी बंदर पे, तो बंदर ए की एफ बी डी में ऊपर की तरफ टी आएगा, है ना, ये ए की एफ बी डी। नीचे की तरफ क्या आएगा, अभी 30 न्यूटन का फोर्स मैक्सिमम टॉलरेट कर सकता है, जरूरी नहीं कि 30 ही लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको मिटाओ पहले, तो मिटाओ इसको, ठीक है। लेट से इस पूँछ में इस समय जो टेंशन है वो टी डैश है, तो बंदर ए की एफ बी डी में क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ टी डैश, और बंदर ए का वेट कितना है, 50 न्यूटन, ठीक है ना, 5 किलो का बंदर है। बंदर बी की अगर बात करता हूँ मैं, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा बंदर बी पे, टेंशन टी डैश, है ना भाई, वो पूँछ पकड़ा हुआ है। नीचे की तरफ वेट कितना है, 20 न्यूटन का वेट है बंदर का, और ऐसा मान लेते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन ए है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। बंदर ए के लिए मैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखता हूँ, तो क्या आएगा देखो, ऊपर की तरफ टी माइनस नीचे की तरफ टी डैश माइनस 50 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। बंदर बी के लिए लिखूंगा, क्या लिखूंगा, टी डैश माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसमें से फाइव को डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर, है ना, और यहाँ काट देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर 2 को हटा के यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, और अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, है ना, दोनों ए के बराबर है, तो करते हैं। तो क्या आएगा देखो, टी डैश माइनस 20/2 इज इक्वल टू टी डैश माइनस 50/5। इससे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 टी डैश माइनस 100 इज इक्वल टू 2t माइनस 2t डैश माइनस 100। 100 से 100 गया, है ना, और ये 2t डैश माइनस साइन है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या बन जाएगा, 7t बन जाएगा। 7t डैश इज इक्वल टू क्या बन गया, 2t। तो t डैश की वैल्यू क्या आ गई, 2/7 इंटू t। अब मैं क्या किया हूँ अभी तक, ये निकाला हूँ कि अगर दोनों साथ साथ ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, ठीक है ना, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विद इट, ठीक है ना, साथ साथ जा रहे हैं। तो अगर मैं बोल रहा था कि अगर दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो टेंशन यहाँ पर, टेंशन और इसकी पूंछ में टेंशन के बीच में जो रिलेशन है वो ये है। अब सवाल में कंडीशन गिवन ये है कि टी डैश यानी कि पूंछ में जो टेंशन है वो 30 न्यूटन से कम होनी चाहिए, तो टी डैश शुड बी इक्वल टू व्हाट, लेस देन इक्वल टू 30 न्यूटन, ठीक है ना, क्योंकि वो 30 न्यूटन तक का फोर्स बर्दाश्त कर सकता है, तो या तो बराबर हो या तो छोटा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/7t शुड बी लेस देन इक्वल टू 30। इसका मतलब t शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या आया, 105। कैलकुलेट कर लेना, 7 इंटू 30 करोगे तो क्या आएगा, 210। 210/2 कितना आएगा,
105। टिंच जो ऊपर जो टेंशन है यहाँ पर उसकी वैल्यू 105 से कम होनी चाहिए, बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो वैल्यू ज़ीरो भी नहीं हो सकती। क्यों ज़ीरो नहीं हो सकती? क्योंकि इन दोनों साथ साथ जा रहे हैं ऊपर। अब ऊपर उन लोग दो तरीके से जा सकते हैं, या तो एक्सेलरेट करते हुए जाएंगे या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएंगे। एक्सेलरेट करते हुए जाएंगे तो सोचो इस टेंशन को 70 न्यूटन से ऊपर होना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 और 2 इस पूरे सिस्टम पे 70 न्यूटन का फोर्स तो लग ही रहा है, ठीक है ना? तो इस टी की वैल्यू 70 से कम नहीं हो सकती भाई, ऊपर वाले टेंशन की वैल्यू 70 न्यूटन से कम नहीं हो सकती। अगर हो गई तो इन दोनों के दोनों नीचे चले जाएंगे, ठीक है ना? तो या तो 70 या तो 70 से बड़ी। पर एक और कंडीशन क्या है कि भाई इस पूछ में टेंशन 30 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उस कंडीशन को यूज़ किया तो ये पता चला कि ऊपर वाली टेंशन जो है 105 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ऑल इन ऑल मैं क्या बोल सकता हूँ, जो टेंशन का रेंज है वो कितना है, 70 से लेकर 105 न्यूटन तक। तो दिस इज़ दी आंसर टू आवर क्वेश्चन, ठीक है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है इनफैक्ट, क्योंकि इसमें रेंज पूछा हुआ है, ठीक है ना? मतलब रेंज ऐसा लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, पर आपको समझना है कि इसका आंसर क्या है। अब भाई पीछे आंसर देखने के बाद तो कोई भी समझ जाएगा हाँ भाई रेंज है, लेकिन पहली बार में जो ऐसा आंसर ले आए उसके में दम है, ठीक है ना? अब वैसे तो एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, उसको भी देख ही लो यार, ठीक है ना? आंसर तो आ गया है आपका, और ये अच्छा तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, पर किसी की और इच्छा है तो 2 मिनट और रुक जाओ, है ना? वरना बाकी लोग जा सकते हैं। देखो एक और तरीका क्या है, कॉमन सेंस से अगर किसी को दिखाई दे जाए कि जितना ज़्यादा टेंशन ऊपर बढ़ेगा उतना इस रस्सी में भी टेंशन, उस इस पूंछ में भी टेंशन बढ़ेगा। अब चूंकि इस पूंछ में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 30, ठीक है? बंदर बी की FBD बनाऊंगा तो नीचे 20 और ऊपर 30, यानी कि 10 न्यूटन का ऊपर की तरफ फोर्स, यानी कि ये बंदर बी मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन से जा सकता है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि 10/2 कितना हो गया, 5, यानी कि इन लोग मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना अफोर्ड कर सकते हैं, 5, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर टेंशन टी आएगा वो कितना आएगा, टी इज इक्वल टू 5 × 7, है कि नहीं भाई? अरे सॉरी यार, एक मिनट, हाँ एक गलती हो गई, ऐसे नहीं लिखेंगे। हाँ क्या लिखेंगे अपन, टी ऊपर की तरफ, मैं पूरे सिस्टम के लिए लिख रहा हूँ, है ना? टी ऊपर की तरफ, नीचे नीचे 70, तो टी माइनस 70 पूरे सिस्टम पे 70 न्यूटन का फोर्स है, इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या आ गया, टी की वैल्यू 105, यानी कि मैक्सिमम फोर्स कितना है, 105 न्यूटन है, और मिनिमम तो 70 है, ये तो साफ है, कोई ओरली देख के बता सकता है, क्योंकि 70 से कम फोर्स लगाएंगे तो मैं आपको पहले भी बताया था इन लोग नीचे चले जाएंगे, ठीक है ना? तो कोई कोई बहुत कम कैलकुलेशन करके, बहुत कम लाइन यूज़ करके भी इस टाइप से अगर करे तो वो आंसर निकाल सकता है 105 और 70, ठीक है ना? तो ख़त्म बात। वैसे ये मेथड थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है ना? तो ठीक है फिर, बाय।